सच में आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बहुत फिट भी लग रही हैं आप। कहाँ से हैं आप? बैंगलोर। बैंगलोर? वाओ, क्या करने की थी आप? जा तू भी गया था एक बार। वाओ, आयुर्वेदा में बड़ी शक्ति है। यस। पावर, देखिए, इस दुनिया में सारा खेल पावर का है। अमीर के पास बैंक की पावर है, हमारे जैसे आदमी के पास मोबाइल का पावर बैंक है। हर एक का अपना अपना हिसाब है। आप देखो, लेडीज की पावर देखो कितनी होती है। हाँ। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, जब कोई लड़की शादी करके ससुराल में जाती है ना। हाँ। तो घर की औरतें बात करती है, अब देखना चुन्नू को सीधा करेगी। हाँ। लेकिन वो दुल्हन जब चुन्नू के साथ साथ पूरे परिवार को सीधा कर देती ना, फिर वही औरतें बातें करती हैं। मैं तो इसकी माँ के लक्षण देख के समझ गई थी। हाँ, शादी वाले दिन अपने पति को कोनिया मार रही थी, मैं तो समझ गई थी इसकी बेटी कोने में ले जाएगी सबको। होता है ऐसे। अच्छा, देख रहा, लेडीज की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दंत कथाओं के अनुसार, वैसे मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि लेडीज की उम्र कभी बढ़ती है। तो दंत कथाओं के अनुसार साथियों, लेडीज की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, घर में उनकी सत्ता मजबूत होती जाती है, उनकी पावर बढ़ती जाती है। ठीक वैसे जैसे आदमी की उम्र के साथ साथ उसके पावर कम होती जाती है, उसकी चलनी बंद हो जाती है। पावर के नाम के उसके पास एक ही चीज रह जाती है, पावर का चश्मा, जिसको लगा के बाहर बैठा हो मोहल्ले की औरतों को ताड़ता रहता है बुजुर्ग होके। अच्छा, आदमी थोड़ा बुजुर्ग हो जाए ना, उसको बोलो कि जाके देख के आना जरा किराने की दुकान खुली है, अरे मेरे को कौन सा दूर का दिखता है। लेकिन बाहर बैठे बैठे दूर से देख के बता देगा, ये पीठ पे तिल वाली जो श्यामलाल की लुगाई है, और ये जो वहां से आ रही है ये मोहनलाल की लुगाई है। कुछ लोग ना पावर के नाम पे टीवी पे शक्ति यंत्र बेच रहे होते हैं। हमारा ये शक्ति यंत्र आपके घर में रखने से करोड़पति बन जाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, जीवन की सारी उधारी कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, जबकि ये बंदा खुद 300 रुपए दिहाड़ी पे ना एक्टिंग कर रहा होता है। अगर आप इसको 50 रुपए कम दे दो ना, यही शक्ति यंत्र आपके मुंह पे मार के जाता है। अच्छा, एक पावर नैप भी होती है। ये पावर नैप का कॉन्सेप्ट ना मुंबई जैसे शहरों में होता है, जहां से थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर 15-20 मिनट की पावर नैप लेके फिर काम पे चले जाते हैं। हमारे पंजाब में जहां से मैं आता हूँ, वहां पे पावर नैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी पावर तो खाना खाने में चली जाती है। 2-2 घंटे खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि जहां खा रहे होते हैं वहीं पे पावर नैप ले लेते हैं। और पावर नैप भी ऐसी कि पावर नैप लेते लेते कब 8 घंटे का गैप आ जाता है उनको पता नहीं चलता। मैं पावर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ एक बड़ी पावरफुल जोड़ी आ रही है, एक पावरफुल फिल्म लेके, जिसका नाम है भोला। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चाहते मिस्टर अजय देवगन और तब्बू जी। वेलकम वेलकम तब्बू जी, वेलकम वेलकम, कैसे हैं? जोरदार तालियां हो जाए अजय साहब के लिए और तब्बू जी के लिए। अजय सर, तब मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Once again, thank you. हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई आपको। अंकल आप ही कर लो शो आके, मैं घर चला जाता हूँ ना। बात तो करने दो, अपने घर बुला के बातें कर लेना सारी। अपना कुर्ता दिखाना है, मैंने पहना है। सर बहुत बहुत बधाई भोला के लिए आप दोनों को। Thank और you. बड़ा कमाल का ट्रेलर लग रहा है। Thank आप बड़ी प्यारी लग रही है, हमारी मैचिंग हो ही जाती थोड़ी थोड़ी कहीं। फोटो लो, कब लोगे? जब बैठ जाएंगी वो अजय देवगन के साथ। मैं सामने देखना तब्बू जी, 2 मिनट पाजी। थैंक यू तब्बू जी, शुक्रिया। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और देखिए, आज इस मंच पे सिर्फ दो हस्तियां नहीं खड़ी हैं, दोनों की फिल्में आप कंबाइन कर लो तो लगभग 200 ऐसी फिल्में खड़ी हैं जिन्होंने हमें फुल ऑन एंटरटेन किया है। सो जोरदार तालियां बनती हैं। और मैं ये बात, भोला तो 2023 में आ रही है, अगर 90s के टाइम पे भी आप जाएं, जब किसी की शादी की वीडियो बनती थी ना, दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती थी तो आप ही के गाने बजते थे ना। आइए आपका इंतजार, क्योंकि वो दूल्हा दुल्हन को भी पता होता था कि 10 साल बाद तो हमें अपनी शादी का वीडियो देखने का तो मन नहीं करेगा। इन्हीं के गाने के बहाने देख लिया करेंगे। तो वाह, कितनी सारी मेमोरीज आ जाती। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आइए पाजी। अजय सर,
RRR के नाटू नाटू गाने का ऑस्कर मिला है आपको, बहुत बहुत बधाई, आप भी उस फिल्म का पार्ट रहे। अजय सर का उसमें बड़ा ही खूबसूरत कैमियो था। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? RRR का ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ना? ऐसे तो भी ऑस्कर ऑस्कर वापस ले जाते हो। अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसके नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत। तो तबू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस ऑफिसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी है। आपको पता है आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर है, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम हो गया मेरे पुलिस। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें, ये तो इसी चक्कर में रह के, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने, कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा, हमें तो हमेशा आप ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं कमाल करती हैं आप। अब देखो, इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं, हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक 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 तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस ऑफिसर बन के आप इनको, इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाए? सर कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट, हमारे आपस की बात है। और सर आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीत चीत हुई, बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी, डबल हंसना डबल बातें, आई थिंक इसलिए ये मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे, तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर जितना ही आदमी रखा हुआ सीरियसली, एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। मैं एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था, क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूं, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी आपका? सर बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा, बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी, बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को के यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। वो तो बताता था मैं, कुछ नहीं, चुप। अच्छा अजय सर ने, आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं, 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियाँ भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में आप। हरियाली आ गई, हरियाली आ गई, मैं डबल डबल हंसती हूं। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है नजर लग जाएगी, है ना, मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं,
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना दो लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं फर्क है, अगर मैं दो को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपा था ना। मैं तो अगर वो मना कर दे मैं तो वापिस कर, मैं दूसरी को दूंगा, वैसे क्यों भेज जाए। तब मैम आपको तो पता है कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे ये वैलेंटाइन आता है तो? अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये चौथी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना? हाँ सर। तो पहली तीन में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं? पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दोस सब्जेक्ट्स, आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं नहीं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से, आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था, अच्छा जी, नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी यू नो खुशी की बात थी। लेकिन बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? किया ना, एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी छूट के आप बाहर आती है, उफ, क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके वैन में बैठी थी, तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। क्यों? Boss has decided that all the action you will do yourself. खाली relax करने के लिए पहले बोल दिया आपको। तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ, दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने, तो जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर अपने ना, मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता है ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा, तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा हो कि? काफी हुआ है, काफी हुआ, और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं, इवेंचुअली उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया सुनो, और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिया। तो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके, तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s, सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो कर लो। डायलॉग ही नहीं, इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली, थैंक यू, एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस, थैंक यू, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? मैं कल डलवा के आ गई, आप ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू, कपिल शर्मा, सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती। तो साथियों अब वक्त है फिल्म भोला से जुड़े एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों की प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक डोबरियाल। कैसे हैं दीपक भाई? बस विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिया अजय सर ने। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी
भूरी चिट्टी ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर। कैसे दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। लगा लो यार अभी, अभी आपने कॉन्शियस कर लिया है। इनको पता है ना? नहीं 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 दिख रहा है। हाँ। इनको भी पता है, बड़े शाने हैं। इनको पता है जब प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं। अब आ रहे हैं ये तो ये एंट्री वाले उन्होंने दे दिया। अच्छा दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं। किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है? नहीं, वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता हर एक्टर, तो मैंने भी किया। मतलब एक साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया। कोई कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने, तो उससे निकला है थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी खूंखारता बढ़ी है। तो देखें, मतलब जो है नहीं। वैसे आप प्यारे इंसान हो। हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। पर जब आपको पता चला मुझे एक्शन वैक्शन करना है इसमें, ये सब करना है, हाँ, तो फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी की जाए? खाली आपने विटामिन डी और कैल्शियम ही खाया, हड्डी बड्डी टूट जाए? नहीं नहीं, मैं तो कहता और करवाओ ऐसा था। रिहर्सल भी काफी की, मतलब लोग मुझसे पूछते थे, उन्हें लगा ये कुछ हिला हुआ है कुछ दिनों से ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, उनको थोड़ी पता आप तैयारी कर रहे हो, उनको लगा होगा ये एटीट्यूड में आ गया बंदा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगा हो कि ये एटीट्यूड में ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये अपने किरदार में थे। तो प्यार देते रहिएगा, बंदे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, इस किरदार को देख के आपको नफरत हो जाए वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बहुत बखूबी किया है आपने। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा दीपक भाई की, मेंटेन बड़ा खुद को बड़ा करके रखते हैं। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता ना आज पांडे जी पे लोग नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं सिग्नल पे जा रहे हैं, भाई साहब गर्म पानी में नींबू हाँ निचोड़ के पिया करे, तो ये भी जवाब देने लग जाता है मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा, फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट, और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बताइए, दो बार खुल के आई गए हो सामने। हां जी, तब जी। नहीं, 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 आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है भाई। देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तबू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा, है ना, तो जब से इनके साथ किया मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओंकार से, है ना। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे, मतलब ज्यादातर एक्ट्रेस, में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है, तो कुछ कहानी है मतलब, सॉरी। हमारी दुआएं आपके साथ, आपको पर्दे पे बहुत जल्दी रोमांस करने को मिले और दीपक का डोबरियाल जो है वो और खिल के आए लोगों के सामने। आप तो फिल्म में पुलिस बनी हो, आप मेरी मदद कर दो प्लीज, मेरे 12,000 रुपए चोरी हो गए। मैडम, क्या वर्दी पहन के नहीं आई हूँ मैं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे 12,000 बोलो, मेरे पर्स से निकाले होंगे तुमने पक्का? हाँ, आगे तो थाईलैंड से टैन होके। लेट्स नॉट गेट पर्सनल शर्मा जी। हाँ तो पति तो मेरे हो ना, तो पैसे मेरे हुए ना, और वैसे भी अर्चना मैम शादी के पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे मुझे एक फूल देने के, शादी के बाद इसके इंटरव्यू चल पड़ा है। तेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी सहेली रीमा से पूछ। गुलदस्ते दिए मैंने पूरे उसको। रीमा को तो मैं देख लूंगी, रीमा को तो सब देखते हैं, तू अपना देख। और सुन मेरी बात, मेरे पैसे ना निकाला कर पर्स में से। देखो बीवियां पैसे निकालती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त तेरा तभी शुरू होता है, मॉल में सेल लग जाती है, बुरे वक्त शुरू हो गया। हाँ तो शॉपिंग तो मैं तुम्हारी लिए करती हूँ, वरना अर्चना मैम आप बताओ पहले इसकी स्टाइलिंग कैसी थी और अब देखो फर्क है कि नहीं है? ऑलराइट, है ना, कुछ नहीं पता था कैसे जूते खरीदने हैं, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कैसी लड़की से शादी करनी, कुछ नहीं पता था मेरे को। आ गई है। सुनो,
बहुत हो गया। देखो अगर तुम्ही ने पैसे लिए हैं तो प्लीज वापस कर दो, वरना मेरे पास ना मम्मी का टोटका है, वो हल्दी वाला चावल खिला दूंगी मैं तुम्हें, पूरा मुंह हो जाएगा पीला, सब पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, चावल खिलाने से मुजरिम पकड़े जाते ना तो दृश्यम 2 बनती नहीं कभी। हाँ दृश्यम 1 में ये चावल खिला देती गोवा में सबको, अपने यहाँ पे बाहर पता चल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। घर में चोरी है तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैं नहीं करता हूँ, मेरा मायका ही अच्छा था, कम से कम वहाँ पे सीसीटीवी और 24 घंटे गार्ड तो होता था। वो तो होएगा ही, सारी फैमिली एटीएम में सोती है तो गार्ड तो होगा ही उधर। आ गई परेशान कर रहे, ये मैं मिल गई ना इसे, इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो। हाँ वरना उन लोग को जाके देखो जिनके वहाँ बीवी नहीं है, कुछ नहीं पता होता कब सोते हैं कब उठते हैं, कुछ पता होता है? रहने दे, बड़ा एंजॉय कर रहा है सलमान खान, तेरे को क्या पता। अगले एंजॉय करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। हाँ सर ये तो फ्रीडम चाहिए तुम्हें। रुको मैं पहले पता लगाऊं कि मेरे पैसे कहाँ गए, फिर मैं तुमको दिखाती हूँ फ्रीडम। अंदर चलना तुम। कुल्फी बेचने क्यों लगी तुम? अरे बेटा मैंने सोचा कब तक बच्चों से छीन छीन के कुल्फी खाऊंगी। मैंने कहा कुल्फी का ठेला खुद लगा लूं, जब मन करेगा अपना चाट लिया करूंगी। नहीं। सुनो किस दिन माली बुला के जूड़ा कटवा क्यों नहीं लेती? तब हटोगी जब अमरूद लगने शुरू हो जाएंगे इस पे। कितने फूल लगाए आपने और अपने नाम से कुल्फी बेचो, मेरे नाम से क्यों बेच रही हो आप? अरे आपका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में दामाद जी, ऐसे तो थोड़ी है कि नहीं भाई, हमें तो कोई घास भी ना डालता। तो हमने कहा भैया हीरोइन का नाम लेके लोग अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं, हमारे लिए तो यही तब्बू हो रहे हैं। व्हाट मम्मी तारीफ ठीक थी, जेंडर गलत लगा दिया। अरे बिंदु जेंडर वेंडर पे ध्यान ना दे, ये जिस तरह से इनकी बातें बनाने की आदत है ना, उस तरह से मुझे लगता है अर्चना जी इनके अंदर 1, 2, 3, 4 ना 5-6 लेडीज है। क्यों सही कहा ना मैंने अजय जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जिस दिन लाइन याद रहती इनको। अभी एक फंबल आ गया ना फिर देखना कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है, कुल्फियां अंदर ही अंदर पिघल जाएंगी इनकी। आपकी फैमिली होती ना दृश्यम में ऐसी तो आप 2 अक्टूबर को नहीं परमानेंट सत्संग में चले जाते। ये देखो गर्दन हैडी नेकलेस पता नहीं कहाँ पहना है। दामाद जी वो छोड़ो, हमें लाइन ना भूलने वाली। हाँ दामाद जी ये बताओ ऐसी क्या बुराई है हम में? हाँ मैं इनके पैर छूने के लिए झुकता हूँ, पीछे से मेरे पैसे निकाल लेती हैं अम्मा जी। अरे देखो तो सही क्या जमाना आ गया है अर्चना जी, मैंने इनका एक बार पर्स मार लिया, एक बार गले की चेन खींच ली, एक ही बार मैंने तिजोरी में से पैसे निकाले और ये देखो मुझे चोर समझ रहे हैं। अरे एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आपने पूरे करियर में गोलमाल 4 बार की है, ये दिन में 10 बार करती है ये? ना 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 ना, वो दिन गए जब मैं गोलमाल करती थी दामाद जी, अब तो मेहनत करके ये देखो कुल्फी बेच के पैसा कमाती हूँ। अब आई मेन करेक्टर में, अब बताओ आगे क्या है? कुल्फी लेके आई हो तो मेहमानों को नहीं पूछनी? अरे कुल्फी, अरे वही तो मैं कहने वाली थी, देखो मुझे पता था इनका ध्यान है कि नहीं। दीपक जी तब्बू जी कुल्फी खाएंगी आप? कौन सा फ्लेवर? अजय सर को नहीं पूछेंगे? अरे उनसे क्या पूछना बिंदु, क्यों उनकी फिल्म को तो ऑस्कर मिला है। हाय इस खुशी में तो वो खुद हमारा मुंह मीठा कराएंगे, है कि नहीं अजय जी? ना मत कहना। जब से आए मेरा सुख चैन सब ले लिया इन लोगों ने। हाय देखो तो सही अर्थ ना, ये तो मेरे जिधानी हो रहे हैं बिल्कुल, हर बात में तान
गाना देते रहते हैं। ऐसा करो दामाद जी, एक कुल्फी खाओ 5 रुपए वाली और दिमाग ठंडा करो। अरे मुझे नहीं खानी कुल्फी, चल। मम्मी एक सेकंड, एक तो तुम ये कुल्फी का ठेला लेके यहाँ इंटरव्यू के बीच में क्यों आ गई हो? क्यों? अरे तो क्या इंटरव्यू लेकर ठेले में जाती है? कैसी बात कर रही है? मैं अपनी कुल्फी का प्रमोशन करवाने आई हूँ। क्या क्या प्रमोशन करवाना है? अरे मेरे पास ना अजय जी बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फी है। नहीं, फिर से ले लो मम्मी। अजय जी मेरे पास बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फियां हैं। बॉलीवुड फ्लेवर क्या होता है मम्मी? एक मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ। मेरे पास है ये तब्बू जी की कुल्फी। ये क्या? एक सेकंड, कुल्फी ये सिर्फ डंडी है, कुल्फी कहाँ है? अरे तब्बू जी इतनी हॉट है, कुल्फी पिघल गई। नहीं। और एक मिनट दीपक जी, आपके लिए वो पप्पी भैया वाली कुल्फी भी है। अरे उस कुल्फी को चूसो तो मुंह एकदम पप्पी जैसा बन जाता है। ये रही। देखा मम्मी, सब ऐसी कुल्फी खाते हैं। हाँ ऐसी कुल्फी खाते हैं, तुझे पप्पी का क्या पता? पप्पी का नहीं, कुल्फी का तो पता है। अरे इसी बात का तो रोना है, इसे पप्पी का ना पता। इसे पप्पी का पता होता तो आज दामाद जी बच्चों की नेपी बदल रहे होते। है कि ना? नेपी का तो मेरे को पता नहीं, सास मैंने बदलनी जरूर। मम्मी ये एक बात बता, ये कुल्फी ठेला इनके पैसे कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे वो तेरी तिजोरी है ना बिंदु, उसमें 12,000 गिरे पड़े थे। हाँ? सच? अरे मैंने चाबी लेकर बाहर निकाली, कहीं कोई चुरा ना ले भाई, जमाना खराब है। तिजोरी में पैसे गिरे नहीं होते, उन्हें बचा बचा के जोड़ जोड़ के मैंने रखे थे, वो मेरे पैसे थे। अच्छा शर्मा जी, यू आर करेक्ट। चलो मैं तुम्हारा टिकट कटवाती, चलो। अच्छा जारी चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। प्रणाम 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 प्रणाम। ट्रेलर में जो VFX का कमाल है वो भी बड़ा कमाल का, और इनकी जो टीम है NY VFX वाला से भी सारी इनकी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छा एक बात आप लोगों से पूछनी थी, पर्सनल है। जैसे मान लो अजय सर को डांस कराना हो नाटू नाटू वाले पे, तो उसमें VFX काम आता है कि वो भी कहता मैं इतना भी VFX नहीं था? हो जाएगा उसमें VFX भी काम नहीं आएगा। पर कमाल का काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारक आपको। The very great hard-working boys and I really want to thank all of you all for working day and night. अरे सर दीपक भाई बड़े प्यारे इंसान है और दिखते भी ऐसे, मतलब शुक्रिया। लेकिन आगे आगे की लाइन मैं ये पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई स्कूटर भी छीन लेना तो ये FIR कराने नहीं जाएंगे, इतने प्यारे इंसान है। आपको इनके अंदर विलन कैसे दिख गया? यार ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने दीपक के बारे में सोचा कास्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी टीम बोलती ने कहा कि दीपक थोड़ा आपके सामने वीक लगेगा, एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, ऐसे जब एक्टर परफॉर्म करता है ना तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ उसकी बात ख़त्म हो जाती है। वाह। और वो दीपक में है और वो किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते। क्या बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैम आपका रिश्ता इतना पुराना है, पहले पहले जब फिल्मों में आते थे आपका रोमांस देखने को मिलता था, अब आप चोर पुलिस खेलना शुरू हो गए हैं, ये भाग रहे हैं। रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता ना कि ऐसे किस्से होते हैं कि अच्छा फलानी फिल्म में ऐसा हुआ था, ये शूट करते, कभी ऐसा हुआ बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं आप, इनकी आंखों में देखो हंसी निकल गई हो आपकी, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते हैं शूटिंग के वक्त, मतलब ही इज अ वेरी लाइक यू नो फोकस्ड एक्टर। दोस्त के साथ जब आप काम कर रहे हो, हाँ, वो मतलब ज्यादा इजी होता है कि मुश्किल होता है? कंफर्टेबल होता है, राइट। यू नो आपका रिश्ता ही इतना अनकंडीशनल होता है, राइट, कि वो कहीं ना कहीं तो कैरी होता ही है कैमरे के सामने, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा ऐसा भी होता है ना दोस्तों में कि हम टेंशन नहीं लेते ज्यादा कि पता है कि दोस्ती है, ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो 8वीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत एज ए डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वॉन्ट्स वन मोर, बिकॉज
I know him so well. I know each, मतलब उनके एक-एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि whether he is happy, not happy. Today he is upset, or today he is very excited. Today he is satisfied with the work or not. So I know when he has not been happy with the shot, and I know when he has been very happy with a take. तो अजय सर, अब आप खुद director हैं. मुझे एक बात बताइए, जो कभी-कभी director बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, एक और लेते हैं. उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं. हाँ, कहीं कहीं बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और. तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछ लो तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत अच्छा. एक फोकस के लिए और. हाँ, एक फोकस, कैमरा फोकस के लिए. इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था. ओके, ये डांस की रिहर्सल करने के लिए तू सुबह 7 बजे आया था. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय देवगन साहब के लिए. हेलो, परफॉर्म मैंने किया, तालियां उनके लिए क्यों? लेकिन देखा तो उन्होंने है ना, वो भी बिना मारपीट किए. ये क्या कर रहे हो तुम? और वो मैं हूँ. पता नहीं क्या बन गया ये. सपोज्ड टू बी, मैं तो दूसरे स्टेप पे पुलिस बुलाने वाला था और तुम डांस कर रहे. शर्म नहीं आती तुम्हें? यार मुझे शर्म क्यों आएगी? नहीं, मैं इस लड़की मैडम, मैं लड़का हूँ जी. इसने 1500 रुपए दिए थे, बोला कि ये लड़की बनना है, नहीं तो इसको कौन मुंह लगाता है. सर सर, ओके सर. मेरा 1500? 1500 मैंने लेने हैं तेरे से. ओए होए होए, आपको पता है जब फूल और कांटे आई थी ना, तो आपने एंट्री ली ना बाइक पे, तो इसने भी कॉलेज में ना 2 साइकिल लिए और उनमें पैर फंसा के, अब साइकिल के उसमें होती तारे, पैर फंस गए इसके. तो उसके बाद साइकिल इधर उधर हो गए, 6 महीने ये ऐसे चलता रहा. फूल फूल अलग हो गए, कांटा अलग हो गया. इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ. मुंह बोला दोस्त है सर मेरा, ये ऐसे ही. हेलो. अच्छे से इंट्रोडक्शन को मुंह बोला दोस्त क्या होता है, नाम बताओ मेरा. मेरे मुंह से एक बार ऐसे निकल गया था हेलो दोस्त, ये सीरियसली ले गया. एक्चुअली हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, इतनी पुरानी कि मैं इसका नाम पूछने भूल गया. नाम क्या तेरा? राजू. कपिल शर्मा शो की शान. ओह हाँ, ये शो की शान को अभी सिक्योरिटी ने रोका था बाहर. दोनों शानों शौकत पे डंडे पड़े इसके. आपको सर मैं वैसे बता, आप इतने अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के. सर हम भी कॉलेज के दोस्त हैं. ही इज जस्ट जेलस, क्योंकि कॉलेज की जो लड़की थी ना सबसे खूबसूरत अर्चना मैम, उसका रिश्ता मेरे को आया था. क्योंकि उसके बाप ने कहा था इस साल भी तुम फेल हुई तुम्हारी शादी गधे से कराऊंगा. तो इसलिए आया था इसको रिश्ता. अर्चना मैम मेरे वाली तो फेल हुई थी तो मेरे से शादी हुई. इसके वाली अच्छे नंबरों से पास हुई थी फिर भी इसी से शादी हुई उसकी. वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा शादी हुई मेरी. फिर लड़की वाले इसके घर आए देखने ना, इन्होंने बड़ा सारा सामान मंगा लिया, बर्गर समोसे पिज्जा. वो कहते इसकी क्या जरूरत थी? कहते खाओ खाओ. कहते नहीं, लड़के की क्या जरूरत थी, ये तो हम खा के जाएंगे. अच्छा सर, ये लड़की देखने गया था तो ना, वहां पर ना लड़की थी ऐसे बिल्कुल ऐसे आराम से नीचे मुंह करके ना धीरे धीरे बातें कर रही है, शर्मा शर्मा के बातें कर रही है. कहता शर्माओ मत, खुल के बोलो. फिर वो खुल के बोली, कहती मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं. फिर वहां से ये शर्मा शर्मा के वापिस आया. पहले अकेला कपिल होता था, उस दिन के बाद से कपिल शर्मा हुआ ये. इसके साथ तो और बुरा हुआ पता है. इसकी सुहागरात और बात ही ना शुरू हो. वो कहती कोई बात तो, फिर इसने बोला कि मैं एक बात पूछूं दिल से, तुम्हारा कोई पहले प्रेमी तो नहीं था? कहती तुम्हारी कसम सुनील कोई नहीं था, अब तुम अपने बारे में बताओ. कहता मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं सुनील नहीं हूँ. वो फिर नहीं हटी. वो कहती सॉरी सॉरी, मुझे ना नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो रॉकी को भी मोंटी बोल दिया था. आगे आप समझदार हो. फिर इसने दूसरी शादी की. ओह माय गॉड. फिर उससे पूछता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कहती भाई साहब अगर कोई होता तो मैं आपसे शादी करती. भाई साहब. हाँ अजय पाजी, इसकी सुहागरात पे ना, इसको आपको पता गाने गाने का शौक है, तो वहां पे ना बीवी को इंप्रेस करने के लिए गाने सुना रहा है. 4 घंटे बाद बीवी ने खुद घूंघट उठाया है. हाँ. कहती एक बात बताओ, अगर तुमने सारी रात कंसर्ट ही करना तो मैं दूध पी के सो जाऊं? ये ठीक कर अपना, जो तोता तेरे लटक रहा है ना आगे, ये क्यों ऐसे बाल बना के, सेफ्टी पिन लगा ले थोड़ी सी. आप कॉलेज के दोस्त हैं ना? हम भी कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे सीख कुछ, कितनी कदर करते हैं एक दूसरे की. पता दोनों टैलेंटेड कितने हैं. हाँ तो तुझे अपने टैलेंट पे शक क्यों है? क्यों बताओ? आखिर नंदिता दास ने कुछ सोच के तुम्हें लिया था? हाँ. ये जो आंखों के बीच में है, मैं इरिटेट कर रहा है मुझे. ले यार.
ये ले, अब ठीक है, ये लो, अब लग रहा है तुम पूरा गरीबी के दिनों वाला शाहरुख खान। मेरा दिल कर रहा है यही टाई तेरी ना और टाइट करके ना तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। करने क्या है इधर? एक्चुअली सर मैंने ट्रेलर देखा आपका। और तो देखने के लिए बनाया, सारी दुनिया ने देखा है, उसमें क्या है? मतलब जितने लोगों ने देखा वो सब आके डिस्टर्ब करेंगे उनको? नहीं, थोड़ी सी कमी थी तो मैं। क्या, किस चीज की कमी? मेरी। What? मैं सच बता रहा हूँ सर, सॉरी, बट अगर तब्बू मैन के ऑपोजिट अगर मैं होता ना तो बात कुछ और होती। तो अगर इनके ऑपोजिट तू होता ना तो मैं अजय सर के अगेंस्ट हो जाता कि ये डिसीजन गलत है। तूने कैसे सोच लिया तेरे ऑपोजिट आएंगी? वो यार हीरोइन है, वो उनके ऑपोजिट सोचूंगा और मैं दीपक डोबरियाल के ऑपोजिट सोचूंगा अपने आप को। कैसी बातें करते हो तुम यार। इसको अगर तब्बू के ऑपोजिट लेके तो एक सीढ़ी भी देनी पड़ेगी। तब्बू मैम जी, अगर आप सर मैं, हाँ बोलिए, अगर आप हाँ कर देना तो फिल्म मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूंगा। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा छोड़ के गए मेरे नाम पे। एक धोती छोड़ के गया तेरा दादा, बकवास कर रहा है। वो भी तार पे सूख रही थी, पड़ोसी ने गीले हाथ पहुंच लिए, पुलिस के पास चला गया, कहता पड़ोसी मेरी जायदाद के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। यार मैं काम की बात कर लेता सर। सर आपने कॉमेडी देख ली मेरी, सर आप जब गोलमाल 5 बनाओगे ना, जो आपका 5वां दोस्त है ना सर, उनको दृश्यम 3 बनानी, लास्ट चाहिए उनको। तो उसके लिए तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते? मैं नहीं देता, मैंने किसी और चीज के लिए दिए हैं, वो हमारी आपस की बात है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे सर हमारे सेट पे ना एक कांस्टेबल और एक बर्फ की सिल्ली रहती है। आपको कोई भी आर्टिस्ट ऐसा परेशान करे, आपने खाली मुझे इशारा करना है, मैं उठवा दूंगा इसको, उनको टेंशन नहीं है। यार भगवान ने तुझे इतना बड़ा शो दिया है, पीछे कुल्फी, बर्फ की सिल्ली, ये गोले कुल्फी का काम बंद क्यों नहीं करते तुम? अच्छा काम करो कोई। कांस्टेबल दादा सच बता, तुम्हें लगता है कि अजय सर ऐसा एक्शन करेंगे? वो उनको गुस्सा आ रहा है तेरे पे। नहीं गुस्सा आएगा, वो ऐसा करके पंजा मार सकते हैं, कभी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं। मैं देखो दोस्त गवाही पर। सर मैं बैक स्टेज पे आपकी वेट करूंगा, ये इधर मेरे को बात कम करने देता है। जो तेरे से सामने नहीं बात कर रहे, तुझे लगता है बैक स्टेज तेरे साथ बात करेंगे? बैक स्टेज सर यहाँ पे या तेरी परफॉर्मेंस तेरी ऐनक खड़ी होगी देख। जा यार। अच्छा अजय सर खुद तो अपना काम बड़ा सीरियसली करते हैं, जब लोग काम कर रहे होते हैं उनको बड़ा परेशान करते हैं। हमारे हाथ एक वीडियो लगा आपका, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बॉस हो गया? हो गया। अभी अभी तो आप ऐसे हुए नहीं, आपका स्वभाव होगा तो बचपन से ही, तो अभी तो आप डायरेक्टर हैं, एक बॉस भी हैं सबके, कभी ऐसा हुआ बचपन में प्रैंक करते करते कभी आपका झगड़ा ही हो गया हो सच में किसी के साथ? दोस्तों यारों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। अच्छा, बट ऐसा कोई सीरियस झगड़ा नहीं हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिलती है ऐसे दूसरों को तंग करके? यार मैंने तुझे आज तक तंग किया नहीं, आपको मौका नहीं मिला कभी? क्या तब तुम्हें किया कभी भी? मतलब जाने दीजिए, आत्मा को शांति, इसलिए आई एम सो श्योर ऑफ दिस व्हेन आई से दिस। पर ये प्यारे हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ ऐसे अपने यूनिट के साथ ही प्रैंक करते हैं। नहीं तो आप देख लो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक इनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी नहीं हमने। तो आप सच्ची में भोले हो या पकड़े नहीं जा रहे, चक्कर क्या है मतलब? तेरे से जो जो सीख के मैं करता हूँ वही करता हूँ बस। तेरे से जो क्लासेस लेता हूँ। मेरे नाम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है तो सर नेक्स्ट फिल्म कब कर रहे हो आप? बहुत मजेदार, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा सर, सेट पे जरूर बुलाना। अरे आपके बिना कैसे पॉसिबल है?
तब मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब हम क्या करें, लोगों ने ऐसा कहा कि जब तब्बू जी आएंगी, क्योंकि आप सिंगल हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ना तब्बू जी को इम्प्रेस करना है, चाहे हम गाना को, ऐसे कुछ लोग हैं, अब मैं क्या करूं मैम? हर शो में ना आपको आ जाती है ना ये चिट्ठियां मेरे नाम से। हाँ वो तो कुछ लोग, मैम सीरियसली लोग हैं, समझ रही हो? कौन कौन अभी जो बोल रहा था कि हमें तब्बू जी को इम्प्रेस करना है, गाना देखिए आप आइए सब मंच पे आइए, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोल दे। कैसे आप? वेलकम वेलकम। आप अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है? सर मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। अच्छा अहमदाबाद से ये करने आए आप? नाम है मेरा, मेरा नाम भी कपिल ठक्कर ही है। अरे कोई बात नहीं, चेंज करवा लीजिए, हो जाता है नोटरी में। क्या करते हैं सर आप? मेरा तो वैसे काम ज्वेलरी का है। अच्छा जी, ज्वेलरी बिजनेस है। अच्छा, और यहाँ पे आया था मिलने के लिए आपको, तब्बू जी को, खास उनको, मतलब जब से मतलब मैंने विजय पथ फिल्म देखी है ना, तब से मैंने ठान लिया है कि मतलब तब्बू जी जैसी लड़की अगर मिले ना तो मैं शादी करूँगा, पर अभी मिली ही नहीं। सिंगल हूँ आपकी तरह। क्या कह के आप तब्बू जी को इम्प्रेस करना चाहेंगे? मैं तो गुजराती हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मतलब मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी, ढोकला, फाफड़ा। आपको लगता है सुबह सुबह वो जलेबियां खाती होंगी उठ के? आपका ज्वेलरी का भी बिजनेस है ना सर? ज्वेलरी की बात ही नहीं कर रहे, ये नहीं बोला कि मुझे आप डायमंड्स दे सकते हैं, आप लोग जलेबी बना। रियल डायमंड लेके आने वाला था पर थोड़ा जल्दी में था ना, जिसके लिए कुछ भी लेके नहीं आया हूं। पर बहुत सारा प्यार लेके आया हूं आपके लिए। मतलब आप खाली ये जलेबियां बनाएंगे सुबह उठ के? हैं नहीं, सब कुछ करूंगा ना उनके लिए, तो मतलब कुछ भी कर सकता हूं। देखो जैसे उनका गुस्से का मूड है तो उनको मैं मिर्ची नाम से बुला सकता हूं, जब वो इतने ही ब्यूटीफुल लगेंगे हमेशा तो उनको एक मून नाम दे सकता हूं, चंदा मामा। आप अगर तब्बू जी के लिए इतना कर दें कि वापस अपनी जगह पे आकर बैठ जाएं आप। सर जी बड़े प्यारे हो आप, शुक्रिया 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 सर जी। आपका क्या नाम है? नाम ओम है। ओम, ओम आप स्कूल नहीं गए आज? मैं इंटर्न हूँ, इंटर्न हूँ, डॉक्टर बनने वाले हूँ। डॉक्टर बनने वाले हैं? मैं और ये दोनों, दोनों डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आपने क्या जोड़ी में डॉक्टरी की है, क्या किया है? कि आपने एम बी की और उन्होंने बी एस किया, ऐसे किया है? बचपन के दोस्त है हम लोग। बचपन के दोस्त है? Yes. अरे वाह वाह क्या बात है। हम दोनों को साथ में आना था। अच्छा, हर चीज में मेरे साथ कंपटीशन करते रहते हैं। अच्छा जी, जो लड़की मुझे पसंद रहती है उससे उसको भी सेम लड़की पसंद रहती है। अच्छा जी, तो वो भी ट्राई करता है, मैं भी ट्राई करता हूँ, और इसके चक्कर में हम दोनों का कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आज जो हमें ये आपने मौका दिया है, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों मैम के लिए शायरी बोले। प्लीज, यस, और मैम इसका भ्रम तोड़े हम दोनों में से किसी एक को हाँ बोल के। अच्छा अच्छा, ये भी इनको पता है, ठीक है जी। आज सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं आप? कौन लोग हैं जो इन्हें भाते होंगे, हमसे भी कम इन्हें चाहते होंगे, ढूंढते मैम अभी भी हमारा दिल उनमें है, इसलिए इनको देख के वो अभी भी इतराते होंगे। आपको तो मेरी तरफ से ना है, आप आइए, आप आइए, ये हमारे होने वाले डॉक्टर साहब है। जी डॉक्टर साहब, कानों में झुमका, कानों में झुमका ऊपर से बिंदी लगाती है, कानों में झुमका ऊपर से बिंदी लगाती है, कुछ इस तरह तू मेरे दिल में बस जाती है। उफ तेरी ये आंखें, उफ तेरी ये आंखें ऊपर से अदा दे जाती है, बालों में प्यार और दिल में सुकून दे जाती है। बालों में प्यार, और ये हर चीज ऊपर से क्यों हो रही है? दिल में प्यार, दिल में प्यार। बिंदी ऊपर से लगाती है, बाल ऊपर से बनाती है। कानों में झुमके, कानों में झुमके ने तो कहा, हाथों में झुमके पहनने, मतलब मैं डॉक्टर है ना, डॉक्टर की बड़ा ही शेर शेरी में कम इंटरेस्ट। हाँ जी एक और बोलूं? नहीं नहीं, आपका पहला ही जान लेने वाला था। आप ये आइए, हमारे दोस्त आए बच्चों के नाना पाटेकर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? गुड इवनिंग दीपक सर, गुड इवनिंग तब्बू मैम, गुड इवनिंग सर। सर मैम के लिए गाना गाना चाहता हूँ। आपने नाम नहीं बताया अपना? सर जॉन, जॉन जॉन, कम ऑन जॉन, नहीं सर खड़े होकर गाना है ना, बैठिए ना आराम से। अरे बैठो आप, जॉन कम ऑन यार, जॉन आप सुनाइए क्या, कौन सा गाना? दीख, 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 दीख। शुक्रिया जॉन, क्या करते हैं जॉन आप? यार मिमिक्री वगैरह करते हैं जी, नाना पाटेकर की मिमिक्री करते हैं। अच्छा अच्छा, नाना पाटेकर की साहब की भी करते हैं, बात निकाल के दिखाओ। अच्छा है, हाँ आ गए मेरी बहुत का तमाशा देखने, अब मेरा भाई मुझे लटका देगा कि बाहर निकल जाएगी, तुम चाचा करते घर चल जाओगे। अरे कुछ नहीं कह रहा है मुझे तुमसे,
अरे कब समझोगे तुम्हें धर्म के नाम पे बहकाते हो, तुम एक दूसरे का गला काटते हो, काटो फिर कहोगे कि मैं तेर बोलता हूँ। अच्छा है बेटे, पहले पहले देखा अपना मुंह, फिर मैंने देखा अपना मुंह, मुझे पसंद नहीं आया। आज तो शुक्रिया, आप बड़े प्यारे हो यार। जी भाई साहब, इन सब की जो हुआ आपको ये सब हालात देख के लगता है? नमस्ते पप्पू मैम, नमस्ते अजय सर, नमस्ते कपिल सर। नमस्ते सर। मैम ये तीनों आप कुछ भी प्यार नहीं करते जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं रियल बोल रहा हूँ। आपने नाम नहीं बताया? मेरा नाम सनी है मैम, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और एक रेलवे में जॉब करता हूँ, एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। और मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ ना, और बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से प्यार करता हूँ मैम। अरे सब चीजें छोटे छोटे, छोटा सा गांव, दो लोगों का काम है, कितने लोग हैं उधर? नहीं मेरा ही सर, मैं ही प्यार करता हूँ। अच्छा, लोग तो क्या क्या करके दिखाएंगे आप? ट्रेन की टिकट सब फ्री मतलब? मैम आपके लिए ट्रेन नहीं, मैं फ्लाइट भी फ्री हुआ। हाय हाय मेरे रतन टाटा, कुछ करके दिखाएंगे आप तबू जी को? मैं मैम को ये दिखाऊंगा कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि डांस तो मैं कर ही सकता हूँ, पर मैम मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। मैम मेरे गाँव में, खेत में मैम गन्ना, मूली, धान, चावल, रोटी, मक्का, जो भी सारी चीज होती है मैम, मैं आपको घर का ताजा खाना खिलाऊंगा, आपकी पूरी सेवा भी करूंगा और आपसे प्यार भी बहुत करूंगा। बस मैम एक्चुअली बस आप तो मेरी माँ का ख्याल रखना बस मैम। ताजा खाना खिला, आपको क्या लगता है पिछले हफ्ते का खाना खाती है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर बात पिछले हफ्ते की नहीं है, मैं ताजा ही मतलब सर मैं उनके लिए जो मेरे लिए बेस्ट होगा ना सर, जो ये चाहती है वो सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा। और मैम डांस डांस भी करूंगा आपके लिए, अगर कभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी, आपकी ट्रेन छूट रही है, आप गलत स्टेशन पे बैठ गए हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मंच पे बुलाया। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया। माइक ले जाइए। और क्या, हेलो जी जी जी, अच्छा मैडम को माइक दे दीजिए। मैडम को भी मुझे इम्प्रेस करना है? नहीं पता नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, आपकी साड़ी का कहने के लिए कलर ही ऐसा है कि होली खेल के धोई नहीं आपने? नहीं ये कलर ही ऐसा है। जी क्या कहना चाहती हैं आप? का मैं अजय सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी, मैं अजय सर सबको कहना चाहती हूँ, सर आपकी आंखें बहुत नशीली, जैसे अभी कपिल सर ने भी बोला था, सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दो लाइन बोल दें। कौन सी दो लाइन? सर कुछ भी रोमांटिक। कौन सी दो लाइन? सर दो लाइन नहीं तो आप अपने घर का एड्रेस ही बता दें, आंखें डाल के भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप आइए अजय सर के पास बैठिए, दो लाइन मेरे शो में इतने सालों से आ रहे, एक लाइन नहीं बोली आपके लिए, दो लाइन, आप बैठिए बैठिए। मैंने घर का एड्रेस भी पूछा है। आपका नाम क्या है मोहतरमा? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जोशी। पर जोशी जी उस एड्रेस पे तो काजल मैम भी हैं। I'm big fan. Thank you Pratishtha, thank you so much, thank you for so much of love, thank you. सर एड्रेस ही बता दीजिए सर, क्या पता मैं कभी आपकी बर्थडे पे आपको बाहर से हाय बोलने आ जाऊं। थैंक यू सर। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा परंपरा। आइए प्रतिष्ठा, बहुत प्यारी लग रही है, आपकी साड़ी का रंग बड़ा अच्छा है। धन्यवाद। तबू जी, अरे सर दीपक, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स से कुछ पढ़ते हैं, आइए। आई लव दिस। अजय सर ने फोटो डाला है BRB इन द मिडल ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट, कमेंट्स दिखाइए नीचे। इन्होंने बच्चों से मोबाइल छीना है और अब खुद देख रहे हैं, अब बच्चों की माँ आएगी वो इनसे फोन छीनेगी, यही जीवन चक्र है। और दिखाइए, लगता है अगली फोटो के लिए इन्हें कैप्शन नहीं मिल रहा है, वहीं सोच रहे हैं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भैया ये क्या सोच रहे होंगे, वो भी आप सोच रहे हो, अपना काम क्यों नहीं करते। उसने फिर रिप्लाई किया, मैं तो फिर भी अजय देवगन के बारे में सोच रहा हूँ, आप कितने बेकार हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं। और दिखाइए, मोबाइल के साथ सीरियस दिखने वाला इंसान कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो लूडो खेल रहा हो। और दिखाइए, कभी कभी मेरे दिल में, आह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या हो हमारे मेहमानों को छेड़ते हो? आइए कमेंट्स देखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, उसने कहा मेरा ख्याल आता है ना,
उसने रिप्लाई किया, तेरा ख्याल तो तेरे पिताजी को नहीं आ रहा, वो वसीयत से तेरा नाम काट रहे हैं। और दिखाइए, कुछ कहने को नहीं है। दीपक भाई ने फोटो डाला, दीपक भाई कहाँ का फोटो है ये? ये पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ घूमने गए शूट? नहीं, शूट पे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सही है, कुछ कहने को नहीं है, वो कैप्शन डालने की जरूरत थी। कुछ खाने को भी नहीं है, किसी ने लिखा रिप्लाई में, किसी ने लिखा है तो भैया ग्लास में चाय है या कुछ पीने को भी नहीं है। इनका सीन खत्म हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर की तरफ कोई गाड़ी जाए तो उससे लिफ्ट मांगे। इनको किसी ने कहा था कि धूप में विटामिन डी मिलेगा, ये घर से ग्लास लेके विटामिन डी लेने आए हैं। और दिखाइए, दीपक जी इंतजार कर रहे हैं कि बंदर किसी टूरिस्ट का चश्मा लेके पेड़ पे चढ़े तो ये 20 रुपए लेके उसको वापस दिलवाए। हैं ये। और दिखाइए, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। मुझे भी वाइफ के आगे किसी लड़की को देखना होता तो मैं भी चश्मा लगा के ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता हूँ। ये सोच रहे हैं 350 का जूस है और बियर 300 की, क्या मंगवाऊं? बरसों से चली आ रही परंपरा स्माइल प्लीज को नकारते हुए प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन। और आगे दिखाइए, तब्बू जी ने फोटो डाला है ये, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तब्बू जी मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं अपने अब्बू को भी तब्बू तब्बू कहता हूं। जरूर प्रेस वालों ने इनसे पूछ लिया था 2 अक्टूबर को आप दोनों कहां थे। और दिखाइए, अपन पहले से ही ऐसे हैं, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शुद्ध गरीब। ये आप ही का डायलॉग है ना। सर मेरा दोस्त भी बचपन से ही ऐसा था, आप घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, चौक पे बैठो, वहां दिहाड़ी वालों को जल्दी काम मिलता है। ओ, और दिखाइए, कुछ सतराम पा जी, नहीं तुम्हें जानते हैं। Suddenly felt like there was a wall between Kajol and me. Jokes apart, Satnam, you stand tall and make us proud. Very nice photo. आइए comments देखते हैं। ऐसे आदमी को मौसम विभाग वाले रख लें तो ये बादल में उंगली करके बारिश करवा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इस आदमी ने जरूर देखा होगा। काजोल मैम जिस तरह से पर्स का ख्याल रख रही हैं, उससे लग रहा है वो अभी अभी एटीएम से कैश निकाल के लाई हैं। और दिखाइए, टी ना होती तो क्या होता? आ सर ये आपके ही सेट की फोटो है। अच्छा, हम जब दृश्यम के लिए आए थे। वाओ। टी ना होती तो क्या होता, इसमें कवि जो कहना चाहता है बहुत गहरी बात है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। मैडम अगर टी ना होती तो आई लव यू तब्बू की जगह आई लव यू अबू लिख रहा होता। किसी लिखा कॉफी गहरी बात की आपने। कॉफी गहरी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते वक्त टी टी ही रहती है या वो भी ब्लैक टी हो जाती है? कैसा लगा मेरा मजाक? और दिखाइए, लो जी दीपक भाई ने फोटो डाला है, बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे बस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बुजुर्ग को पीछे बिठा रखा है, खुद नेहा के पास बैठे हो, लगता है आपको आशीर्वाद नहीं प्यार चाहिए। ऐसा पजामा पहनकर चेक वाली चद्दर में मत सोना वरना कोई चद्दर के साथ पजामा भी खींच लेगा। दीपक सर आपका ये पजामा जब खराब हो जाए तो मुझे दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए चेस बोर्ड बनवा लूंगा। और दिखाइए, खत्म। ओके धन्यवाद। हमारे पास कुछ अफवाहें आई हैं जी। आपके बारे में एक अफवाह है जैसे कि आपको टाइटैनिक भी ऑफर हुई थी लेकिन आपने शर्त रख दी कि मैं 2 जहाजों के ऊपर पैर रख के आऊंगा। तो उन्होंने कहा समंदरी जहाज है
थोड़ा थोड़ा इधर हो सकते तो इसलिए मना हो गया. नहीं, उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी लेकिन जब तक मेरे पास पहुंची तब तक टाइटैनिक डूब चुका था. तबू जी, आपके बारे में ये फायदा कि आपने पुलिस वाले रोल इतने बखूबी किए हैं और इतने सारे रोल किए हैं कि कभी कभी आप घर से निकलती हैं सेट के लिए और पुलिस स्टेशन चली जाती है. जू दीपक भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आपको पहाड़ों से इतना प्यार है, कोई आपसे पहाड़ों के बारे में पूछता है तो आप 2 से 20 तक का पहाड़ा ही सुना देते हैं. अच्छा सर, ये अफवाह, ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, तो अफवाह ये कि आप कभी खुद ड्राइव नहीं करते क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के चालान काट देते हैं आपका. अफवाहें मार्केट में घूमती रहती है, क्या करें. जैसे दीपक भाई के बारे में अफवाह है कि आप गेंदा, पांडा, पप्पी, रिंकू, थापा, ममदू जैसे नामों में कंफर्टेबल रहते हैं, अगर आपको सिंघानिया या ओबरॉय रख दे आपका नाम तो आपसे एक्टिंग नहीं होती है. अरे सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि फूल और कांटे में जब आप बाइक पे स्टंट कर रहे थे, गोलमा और सिंगम में कार पे स्टंट कर रहे थे, भोला में ट्रक पे स्टंट कर रहे हैं, तो अफवाह ये कि जब आप कभी नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हो तो कंपनी वाले लाइसेंस नहीं, आपसे पूरे पैसे मांगते हैं कि कहीं वापस तोड़ बोड़ के ना दे दो आप. अफवाहें बढ़िया पूछ लेते हैं. तब मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आपसे रोमांटिक सीन वाले दिन कई हीरो जो होते हैं वो घर से बीवी की हील पहन के आते. इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, हमारे पास आज एक कुछ स्पेशल मेहमान आए हैं. गुरुग्राम से भंगड़ा क्वींस की एक टीम आई है और यहाँ पे मौजूद है. आप प्लीज मंच पे आइए. बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप. अच्छा, हमने आज तक भंगड़ा करते हुए लड़कों को ही देखा है. लड़कियां करती हैं तो फोक डांस गिद्दा होता है. गिद्दा नफ्स, आप टीम की मेन चेयरमैन है, सीईओ. सत श्री अकाल मैम. सत श्री अकाल सर. मेरा नाम नज्म कौर है और हम भंगड़ा क्वींस गुरुग्राम से हैं. हम इंडिया के ऑल फीमेल्स भंगड़ा ग्रुप है. और मैं इस शो के थ्रू बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री का जो फोक डांस है वो इतना खूबसूरत है और अगर उसको लड़कियाँ करें तो उसमें और जान आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब हम आज इस शो पे आए और इस शो का देखा कि अजय सर आए हैं, तबू मैम आई हैं और कपिल सर हैं, तो आपको नहीं लगता ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर भंगड़ा क्वींस, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड पंजाब? तो हम सब गर्ल्स को सिखाने वाले हमारे कोच मिस्टर अमित कुमार. क्या हाल है अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है. नज्म, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है और हम सब चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस हो जाए. यस, थैंक यू सो मच सर. सर, ये एक छोटा सा सपना लेके चले हम कि लड़कियों का टैलेंट और अपने देश की जो फोक की स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़ानी है. सर, शुरुआत आपने करी है पंजाब को आगे लाने की. शुक्रिया, निभाएंगे हम. पर आप कमाल हो. और मैं आपको सर, मैं इस मंच पे एक फ्यूचर भंगड़ा क्वीन को अनाउंस करना चाहती हूँ जिसका सपना हम देखते हैं कि हमने अगर कुछ किया तो हमारी लेगेसी कोई आगे बढ़ाए. सर, ये अनायरा के लिए एक भंगड़ा क्वीन कॉस्ट्यूम. थैंक यू, शुक्रिया. उसको शौक भी बड़ा डांस का. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. ओहो, इतनी प्यारी ड्रेस. उन्हें बहुत खुश होना पता देख के. ओह माय गॉड. थैंक यू मेरी बहन. शुक्रिया. बहुत बहुत प्यारे हो आप लोग. जोरदार तालियां हो जाए हमारी लड़कियों के लिए. दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय सर, तबु मैम और दीपक भाई के लिए. सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और बड़ा मजा आया, हमेशा ही आता है आपके साथ. और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भोला के लिए. थैंक यू अजय सर, थैंक यू तब्बू जी, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू कपिल. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Click the show links and enjoy watching the videos.